नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेपर टू का डिफरेंशियल कैलकुलस। अगर बीएससी आप फर्स्ट ईयर में हैं और डिफरेंशियल कैलकुलस में अगर एन डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम है, तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जो है किसी भी डिफरेंशियल कैलकुलस का एंथ डेरिवेटिव बहुत ही आसान, मैं एक से दो स्टेप में आपको पूरा करके दिखाने वाली, तो वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हमें इसको बता देते हैं कि देखिए, अगर इसको पूरा सीखना चाहते हैं तो इसमें आपको दो तीन टॉपिक बेहतर आना चाहिए। जैसे फर्स्ट आपको क्लास ट्वेल्थ में डिफ्रेंशिएशन सिखाया गया है, वो आपको आना चाहिए। मैंने डिफ्रेंशिएशन के जितने भी टॉपिक है लगभग आपको पूरा आना चाहिए। अगर उसको अगर आप जानते हैं तो ये टॉपिक, ये वीडियो बहुत आपको अच्छा समझ में आएगा। फिर भी मैंने कोशिश किया है कि सारे चीज़ों को बताने का, अगर आप उसको जानकर तभी सीखेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। वीडियो को पूरा देखिए। देखिए क्वेश्चन है कि टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी के पावर m है। अब इसका nth डेरिवेटिव, अभी आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा होगा कि y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन भाई, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसी तरह से y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx यानी 2x है होगा। और ये कांस्टेंट का जीरो होता है, ये फर्स्ट क्लास ट्वेल्थ में पढ़ना है। तो ये सब होते हैं, आपको ये सब आना चाहिए। इसमें जैसे ट्रिगो वाला है उसका डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए। इसमें कुछ सिंबल हम आपको बताएं कि अगर dy बाई dx है तो इसका सिंबल जो है y1 दिया जाता है। इसी तरह से d2y बाई dx स्क्वायर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन को सिंबल y2 से दिखाते हैं। अगर इसी तरह से 3 टाइम दिखाना चाहते हैं, हमारा dqy बटा dxq, तो इसका जो है yq हो जाएगा। इसी तरह से 4 का दिखा सकते हैं, इसी तरह से 5 का दिखा सकते हैं, सो ऑन n का। लेकिन बेसिकली ट्वेल्थ क्लास में जो पढ़ना है वह 2 तक ही पढ़ना है। हाईएस्ट 2 तक ही आपको डेरिवेटिव सीखना है, उससे ज़्यादा नहीं सीखना है। लेकिन ये बीएससी जो है पार्ट 1 में, ये जो है एंथ तक डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा एकदम ज़बरदस्त आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने आपको दो चीज़ सिखा दिया, डिफ्रेंशिएशन और लगभग थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दिया, और ये सिम्बॉल, चूँकि कभी कभी हम dy बाई dx ना लिख करके हम लोग लिखते हैं y1, मतलब समझिए कि वह dy बाई dx लिखा हुआ। अगर y2 लिखा है तो समझिए कि वह d2y बाई dx स्क्वायर है, समझा गया। उसी तरह से y लिखा है, इसका मतलब वह 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया। इसी तरह से अगर n बार किया गया है तो इसका मतलब है d है ना n y बटा dx के पावर n है, समझा गया। तो इस तरीका से आप जो है किसी भी क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालेंगे। लेकिन बेसिकली प्लस टू में आप पढ़ कर आए हैं, वह 2 से 1 से 2 ही टाइम तक पढ़ना, सिलेबस में उतना ही है, तो यहाँ पे आपको सीखना है। आइए शुरुआत करते हैं, बहुत ही बारीकी से ध्यान से देखिएगा। लेट y बराबर ए एक्स प्लस बी के पावर m हम मान लेते हैं। अब शुरुआत करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इधर लेंगे तो इधर भी dy बाई dx कर देंगे, और पावर m है। अच्छा एक बात हम आपको बता देते हैं, बहुत छोटा सा बात बताते हैं, बेसिकली वो इसमें बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि dy बाई dx का मतलब, डिफ्रेंशिएशन का मतलब dy बाई dx होता है, ऐसा नहीं है। dy बाई dx नहीं होता है, dy dx होता है। अब y तो ये फंक्शन है, हो सकता है कि हमने y यहाँ पे माना है, हो सकता है कि हम tu मान सकते हैं, तो यहाँ पे dty by dx हो जाएगा। हो सकता है हम z मन कर तो z मान लेंगे, तो dz by dx हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को ये बात, मैंने लोग बता देते हैं डिफ्रेंशिएशन मतलब dy by dx निकाल लो, ऐसा नहीं। डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि dy dx निकालो। अब y जो है कुछ भी हो सकता है, TZ ABCD एनी कुछ भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक था, मैंने आपको बारीकी से बताने की कोशिश किया है, और मेरा थोड़ा सा एक अपना लॉजिक है कि मैं कोई भी बात को बहुत डिटेल बता रहा हूँ, डिटेल बताता हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ लेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, मैं कोशिश किया हूँ इसके पावर। और आइए हम थोड़ा सा और एक और ज्ञान दे देता हूँ, वाई के पावर एक्स के पावर एन है, तो इसका डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन जो होता है पावर पीछे आ जाएगा तो एक्स के पावर एन माइनस वन हो जाएगा। ये आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, वही मैंने यहाँ पे किया है।
इसका पावर पीछे लाएंगे और इसके पावर में से घटाएंगे और फिर एक बार अंदर वाला करेंगे, तो a इंटू एक्स का 1 हो जाएगा और ये b कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। समझा गया? अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे m इंटू ए के पावर ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, इसका पावर m माइनस 1 होगा और ये a इंटू 1 0 जोड़ेंगे तो a हो जाएगा। तो ये तो भाई dy बाई डी एक्स को y1 लिख सकते हैं, अभी हमने आपको बताया है सिम्बॉल, तो ये हो गया। इसी तरह से एक बार और डिफ्रेंशिएट मार देते हैं, तो एक बार और मारेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको करना है, इसको नहीं करिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको करेंगे तो m तो ऐसे रहेगा, इसका पावर आगे आएगा, इसमें से एक कम करेंगे पावर में से, और फिर यहाँ पे ये तो बगल में a है, ये है, फिर अंदर वाला करेंगे तो a इंटू 1 आई इसका क्या होगा 0 हो जाएगा। तो बेसिकली सॉल्व करेंगे तो m इंटू एम माइनस 1 ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे माइनस माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि ए एक्स प्लस बी पावर एम माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए a और a, चूँकि ए में वन से गुणा ए होगा, 0 जोड़ेंगे तो ये होगा, तो ए में से गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से मैं अगला बताता, थ्री टाइम थोड़ा चेक करके देखते हैं, तो थ्री टाइम करेंगे तो थ्री टाइम, अब यहाँ पे देखिए ए ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा और ये फिर पावर आगे आएगा, तो ये पावर को आगे लाए हैं, फिर ये ऐसे ही रहेगा, इस पावर में से एम के ए एक्स प्लस बी पावर एम माइनस 2 है, इसमें से 1 कम करेंगे और ये ऐसे ही रहेगा, फिर नीचे वाला का इसको करेंगे बेस का, तो एक ए एक्स का a इंटू 1 और b का 0 हो जाएगा, अभी मैंने बताया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिख रहा हूँ, ऐसे ही वाई थ्री एम इंटू एम माइनस 1 एम माइनस 2 होगा, और देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, और एम माइनस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी इसका पावर एम माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ देखिए, और इंटू ए स्क्वायर तो है ये है और यहाँ पे a, तो ये a क्यूब हो जाएगा, थोड़ा सा गलती से लिखा गया था। और इसी तरह से ये प्रक्रिया हम n टाइम करते हैं, तो n y के पावर m m माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन, अब पावर पीछे आएगा तो m माइनस क्या होगा n माइनस 1 होगा, चूँकि यहाँ पे एक लेस हो रहा है तो n माइनस 1 होगा, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इसका पावर एन माइनस 1, और ये देखिए एक है तो एक आ रहा है, दो आ रहा है तो दो, इसका मतलब एन टाइम जाएगा तो एक का पावर एन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी के पावर एम जो है एम इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 सो ऑन, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस एम माइनस एन आई ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इफ़ एन इज पॉसिबल इंटीजर इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो उस केस में डिफरेंशिएशन ए के पावर डी के डिफरेंशिएशन ऑफ एन टाइम ए एक्स प्लस बी के पावर एम जो है फैक्टोरियल, आप इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल एम, इसको फैक्टोरियल पढ़ेंगे, फैक्टोरियल एम बटा फैक्टोरियल एम माइनस एन इंटू ए के पावर एम एन, इसके जगह पर आप इसको लिख सकते हैं इसके जगह पर, और इंटू क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के पावर एम माइनस एन होता है। तो इस तरीक़ा से बेसिकली हमने किसी भी डिफरेंशियल कैलकुलस में जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है ऐसे ही जो है किया जाता है, यानी कि उसका किसी भी फंक्शन का nth डेरिवेटिव ऐसे ही निकालते हैं, पहले एक बार निकालते हैं, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, फिर एक बार और करते हैं, ऐसे करते करते n तक जाते हैं, और बाकी धीरे धीरे क्रम से काम करेंगे, बहुत आसानी से ये निकल जाता है, बहुत आसान होता है। थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक करके क्रम से देखिए, एक दो बार थोड़ा सा दिक्कत आपको होगा, शुरू में बनाएंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि बड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, एक दो बार मेहनत पड़ेगा, इसके बाद आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, मैं ऐसे ही धांसू जबरदस्त और शानदार और सटीक वीडियो लेकर आते रहता हूं। अभी ये बीएससी का पार्ट 1 का पेपर 2 का मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, पेपर 1 का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से पार्ट 1 का कंप्लीट करूंगा, इसी तरह से पार्ट 2 का पार्ट 3 का बिल्कुल फ्री में वीडियो दूंगा, तो आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।